हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश टुडे मीडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2010 में और ये कंपनी न्यूज़पेपर सेल करता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। और ये कंपनी का जो बिज़नेस है ये मोस्टली कॉन्सनट्रेटेड है मध्य प्रदेश में और अराउंड 52 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये अपने न्यूज़पेपर सेल करते हैं। और इनका जो कॉन्सनट्रेशन है न्यूज़पेपर सेल करने का वो होशंगाबाद, विदिशा, धार, नीमच, सागर और शिवपुरी में है। और ये कंपनी के पास अराउंड 350 ऐसे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स है जो थर्ड पार्टी रिपोर्टर्स है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो कंपनी को न्यूज़ फीड सप्लाई करते हैं। और कंपनी ने अराउंड 56 ऐसे ब्यूरोस को अपॉइंट किया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट बुक करते हैं न्यूज़पेपर में। और ये कंपनी का देखिए, ये अभी आगे जाके और भी स्टेट्स में, कंपनी का ऐसा प्लान है कि और भी स्टेट्स में ये एंट्री करेगा। और कंपनी पब्लिकेशंस न्यूज़पेपर्स के अलावा कंपनी इंटरनेशनल ऑटो शो भी ऑर्गेनाइज करता है, अलग अलग टाइप के ये शोज ऑर्गेनाइज करता है मध्य प्रदेश में। और ये इवेंट जो होता है इनका इंटरनेशनल ऑटो शो, ये हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं भोपाल में। और कंपनी के मेजर एडवर्टाइजमेंट कैटेगरीज देखें कि जहाँ से कंपनी को रेवेन्यू आता है वो है कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे ये MNCs जो होते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट देता है न्यूज़पेपर में, लोकल एडवर्टाइजिंग जो लोकल गवर्नमेंट का जो होता है एडवर्टाइजिंग, और अप कंट्री एडवर्टाइजिंग जो रूरल विलेजेस में जो शॉप्स होते हैं उनका एडवर्टाइजिंग करता है, उसके अलावा गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। और अब देखते हैं कंपनी का जो न्यूज़पेपर है ये कितना कॉपी सेल होता है पर डे। मध्य प्रदेश में अराउंड 15.55 लाख न्यूज़पेपर्स इनके डेली सेल होते हैं, छत्तीसगढ़ में अराउंड 1.87 लाख, उत्तर प्रदेश में अराउंड 1.15 लाख और दिल्ली में अराउंड 1.13 लाख। और अब देखते हैं टॉप 10 शेयर होल्डर्स। देखिए, रितेश कुमार दीक्षित इनके पास राइट नाउ अराउंड 49.99% स्टेक है और शांतनु दीक्षित के पास अराउंड 49.99, और ये टोटल मिला के 7 शेयर होल्डर्स है जो ओन करते हैं 100% स्टेक। और प्रमोटर्स एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट देखिए, रितेश कुमार दीक्षित का अराउंड 4 पैसा है और शांतनु दीक्षित का अराउंड 9.39 रुपीज। प्रमोटर स्टेक प्री एंड पोस्ट इश्यू, राइट नाउ जो प्रमोटर और प्रमोटर एंटिटी ग्रुप्स मिला के ओन करते हैं 100% स्टेक और ये आफ्टर द इश्यू हो जाएगा अराउंड 53%। और अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इश्यू। देखिए, कंपनी अपना बिजनेस जो एक्सपेंड करना चाहता है या अपने जो ऑफिस स्पेस को ये बढ़ाना चाहता है, उस वजह से कंपनी जो ऑफिस के एक्सपेंशन के लिए अपना पैसा यूज करेगा। और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस और इश्यू एक्सपेंस के लिए। और अब देखते हैं फंड यूटिलाइजेशन, जो इनको IPO से पैसा मिलेगा फ्रेश इश्यू से वो कहाँ पे कितना यूज होगा। जो ऑफिस स्पेस एक्सपेंशन के लिए अराउंड 4.82 करोड़ यूज होगा, वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अराउंड 6.44 करोड़ और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस के लिए अराउंड 2.4 करोड़ और इश्यू एक्सपेंस के लिए अराउंड 50 लाख रुपीज। और अब देखते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में कंपनी का। FY13 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 10.41 करोड़ था और FY14 में अराउंड 15.68 करोड़, FY15 में 15.36 करोड़ और FY16 में अराउंड 15.19 करोड़, FY17 में अराउंड 19.08 करोड़। यानी कंपनी ने रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छा ग्रो किया है, यानी देखिए अराउंड फ्लैट था इनका 14 से लेके 16 तक और सडनली अभी FY17 में रेवेन्यू जंप हुआ है। और नेट प्रॉफिट वाइज भी देखिए अराउंड 52 लाख का नेट प्रॉफिट था FY13 में, FY14 में अराउंड 71 लाख, FY15 में 41 लाख, FY16 में 65 लाख और FY17 में अराउंड 2.33 करोड़। ये जो जंप हुआ है इसका रीज़न हमें नहीं पता ये किस वजह से जंप हुआ है। और अब देखते हैं EPS के बारे में। FY17 के हिसाब से EPS बैठता है अराउंड 9.63 करोड़, पी रेशियो अराउंड 6.85, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 51.85%। और पीयर ग्रुप कंपनी में जागरण प्रकाशन, DB कॉर्प और संदेश है और ये तीनों कंपनियां ट्रेड कर रहे हैं राइट नाउ अराउंड 9 और 18 के PE के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। और अब देखते हैं IPO के बारे में। ये IPO ओपन हो रहा है 19 सितंबर, क्लोज होगा 21 सितंबर, फेस वैल्यू इसका है 10 रुपीज़, इश्यू प्राइस है 66 रुपीज़ और मिनिमम लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा 2000 शेयर। और ये कम्प्लीटली फ्रेश इश्यू है जिसमें अराउंड 21.46 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे और ये इश्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 47.01%। और इसका जो इश्यू साइज है अराउंड 14.16 करोड़ का इश्यू साइज है और मार्केट कैप बैठता है अराउंड 30.13 करोड़ और ये लिस्ट करेगा NSE के SME प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।